नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के कलेक्टर सभा कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक को वर्चुअल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चीफ सेक्रेटरी के द्वारा बैठक को संबोधित किया गया। इसके पश्चात जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव यादव, धार जिले के समाज सेवी, गणमान्य नागरिक सहित स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिले के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बारे में अवेयर किया जाए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 11 बजे से और शाम को 7 बजे सायरन बजाया जाएगा और जो जहां है वहीं पर रहकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो बड़े स्तर के मेले होते हैं वह मेले आयोजित नहीं किए जाएंगे। छोटे स्तर पर जो भी कार्यक्रम होंगे संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से परमिशन लेकर उन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें जिले में क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको अपने घरों में रखा जाएगा, उनकी जांचें कराई जाएगी, जो लेबर है उन्हें यहीं पर काम दिया जाएगा और जो लेबर बाहर से आ रही है उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करके उसके बाद ही फील्ड में जाने का अवसर दिया जाएगा। वहीं जिले में कोरोना के केस नहीं बढ़े इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। वहीं मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को अग्रणी रहकर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। निर्णय यही है कि सभी लोगों को इसमें भागीदार होना है, विशेष तौर पे जनप्रतिनिधियों को इसमें अग्रणी होके लीड बाय एग्जांपल करना है। हम लोगों को वो आचरण जो कोरोना को रोकेगा, जो कोरोना से लड़ने में सावधानी रखनी है, उन सभी सचेतकों पे हमें चलना है और हमको लोगों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करना है, उनको इस बात के लिए जागरूक करना है कि कोरोना से हम सब मिलके ही लड़ सकते हैं। जितने भी प्रिकॉशंस हैं, चाहे मास्क पहनना है, चाहे डिस्टेंसिंग है, चाहे सैनिटाइजेशन है, चाहे अपनी शरीर की इम्यूनिटी है, या अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, जो शासन ने 65 साल के ऊपर और फिर अब 50 तक आ रहे हैं या 45 के ऊपर जो किसी प्रकार से बीमार हैं, उस सभी क्राइटेरिया ग्रुप्स को 100% वैक्सीनेशन हो, इस बात के लिए हमको सबको मिलकर कार्य करना है। और इस प्रकार कल हम लोग बेल के माध्यम से, सायरन के माध्यम से 11 बजे सभी लोग उस अवेयरनेस को, अभियान को प्रारंभ करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में कोरोना पे जितना भी नियंत्रण हो सके हम करें और हमारा समाज स्वस्थ रहे और कोरोना को हराने में सफल हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भोपाल से वर्चुअल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को संबोधित किया है और तत्पश्चात हम लोगों ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की भी बैठक की है। उसमें निर्देश बहुत स्पष्ट कर दिए गए हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोगों को मास्क लगाने के बारे में और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर किया जाए। इसके लिए पर डे सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाए जाएंगे। उस समय 2 मिनट जो जहां पे है वहीं पे रह के लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बड़े स्तर पर जो मेले होते हैं वो मेले आयोजित नहीं किए जाएंगे, छोटे स्तर पे जो कार्यक्रम होंगे उनको संबंधित अधिकारियों से परमिशन लेके विधिवत उन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जो बाहर से लोग जिले में आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनको अपने घरों में रखा जाए, उनको उनकी जांच भी कराई जाए। इसके अलावा जो लेबर है उसको यहीं पे काम दिया जाए जिससे बाहर लेबर ना जाए, और जो बाहर से लेबर आ रही है उनको एक बार परीक्षण करके और उसके बाद फील्ड में जाने का अवसर दिया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो सभी सब डिवीजन लेवल पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट की समितियां बनी गई हैं उसकी भी आज मीटिंग होगी। इसके अलावा सभी थानों पे सांस समितियों की बैठक ली जाएगी जिसमें
जितने भी गाइडलाइंस हैं कोरोना के संबंध में, उसके संबंध में सबको अवगत कराया जाएगा। मेले के बारे में बड़े आयोजन न किए जाएं इसके बारे में, इन सभी के बारे में लोगों को विचार विमर्श किया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा। और ज़िले में इसके केस न बढ़ें, इसके तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का पूरा कंसर्न है। साथ ही जो ज़िले में हमारी व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल में मरीजों के रुकने की, उन सब के बारे में भी डिटेल समीक्षा इस बैठक में की गई। सर, धार जिले में अभी कोरोना की क्या स्थिति है और नाइट कर्फ्यू जैसे क्या? लगातार जब बीच में दो महीने स्थिति ये थी कि 0-1-2 केस आ रहे थे, अब लेकिन 4-6-7-8 होते हुए एक बढ़ता हुआ ट्रेंड लगातार दिख रहा है। जहां एक समय हमारे एक्टिव केसेस 0 हो गए थे, आज की डेट में 36 हैं। तो हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, लोगों की आरआरटी टीम हमारी मॉनिटर कर रही है, लोगों को होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल में हमारी व्यवस्थाएँ हैं उनको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चूँकि खरगोन, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, हर तरफ प्रकरण बढ़ रहे हैं, हमने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि यहाँ का जो हमारे पास कॉलोनियाँ हैं, सिल्वर हिल्स है, इसी प्रकार राजगढ़ है, धामनोद हैं, मनावर कई बस्ती है, इन बस्तियों से जो लोगों का मूवमेंट हो रहा है उस पर नियंत्रण रखा जाए। लोगों से अपील की गई है कि कम से कम संख्या में निकलें, अत्यावश्यक होने पर ही इंदौर या गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में जाएँ। इस प्रकार जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है वो निश्चित रूप से, चूँकि चारों तरफ जिलों में ये स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है। लोगों को मास्क और डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम सभी धर्मगुरुओं की, अन्य समाज के जो एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन सबसे भी अनुरोध करेंगे कि इसमें आगे आएं और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें।